यदि ये चैतन्य मुकुरैव भावाश्चिदचित समं भान्ति ध्रुव्य व्ययजनिलसन्तोन्तरहिता जगत्साक्षी मार्ग प्रकटन परो भानुरिवयो महावीर स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सभक्ति नमन। आज कार्तिक कृष्णा अमावस्या का पावन दिन है। पावन इस अर्थ में है, आज के दिन जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर ने अपने जीवन का जो अंतिम लक्ष्य मोक्ष को प्राप्त किया था। आज 2551 वा निर्वाण दिन है। भगवान महावीर इस अवसर्पिणी कालखंड के अंतिम तीर्थंकर थे। हम जानते हैं हर कालचक्र में अवसर्पिणी और उत्सर्पिणी ये दो कालखंड होते हैं और हर कालखंड में 24 24 तीर्थंकर होते हैं। वर्तमान का जो अवसर्पिणी कालखंड है इसमें भी 24 तीर्थंकर हुए हैं भगवान ऋषभ से लेकर भगवान महावीर तक। 2400 तीर्थंकर अपने समय में जिस सत्य का जिस जिन तत्वों का प्रतिपादन करते हैं वो शाश्वत है और इसीलिए हर तीर्थंकर की वाणी में आपको वही शिक्षा वही उपदेश मिलेगा जो भगवान महावीर की वाणी में हमें देखने को मिलता है। भगवान महावीर ने अनेक सिद्धांत दिए जिनका वर्तमान में ज्यादा महत्व है बढ़ गया है। भगवान महावीर ने आत्मा का सिद्धांत दिया और इस बात को कहा कि सभी जीव समान है, चाहे वो माइक्रो हो, एक इंद्रिय जीव हो, चाहे पंचेंद्रिय जीव हो, सबकी आत्मा समान है। भगवती सूत्र में भगवान महावीर से पूछा गया कि कुंथू जो जीव सबसे छोटा जीव माना जाता है और हाथी जो बहुत बड़ा सबसे बड़ा कहना चाहिए वर्तमान में जीव माना जाता है, इन दोनों की आत्मा में क्या अंतर है? तो भगवान महावीर ने कहा कि दोनों आत्मा समान है, शरीर का अंतर है, कर्मों का अंतर है, विकास का अंतर है, किंतु आत्मा में कोई अंतर नहीं है। दोनों के आत्मा समान है, दोनों असंख्य प्रदेशी हैं, अनंत ज्ञान दर्शन आनंद और शक्ति की धारक हैं, इसलिए आत्मा आत्मा में कोई फर्क नहीं है, किंतु विकास का फर्क हो सकता है। जिसने जैसे कर्म किए उसका उतना उस तरह का विकास होता है। तो आत्मा की समानता का सिद्धांत दे करके एक तरह से जो वर्तमान में इक्वलिटी की बात की जाती है, समानता की बात की जाती है, समान अधिकार की बात की जाती है और वर्तमान में अनेक रूपों में जो सिद्धांत चल रहे हैं, जो मूवमेंट चल रहे हैं, जिसमें सेविंग द अर्थ की बात हो रही है, एनिमल राइट्स की बात हो रही है, वेगनिज्म की बात हो रही है, नेचर को नेचर के पोल्यूशन की बात हो रही है, तो उसमें पोल्यूशन को कैसे कम किया जाए, इन सब बातों में कहीं ना कहीं हम उसी बात पर को समझने का प्रयास कर रहे हैं कि नेचर में जब तक हम हिंसा और दूसरे भौतिकवादी जो चिंतन अगर हम ज्यादा बढ़ावा देते हैं तो उससे हिंसा और पोल्यूशन बढ़ता है। अन्य जीवों की तो हिंसा होती ही है, मनुष्य भी मारे जाते हैं। भगवान महावीर ने आत्मा की समानता का सिद्धांत देकर जीव मात्र के प्रति करुणा का संदेश दिया है, अहिंसा का संदेश दिया है और उसके माध्यम से पर्यावरण की सुरक्षा कैसे हो सकती है,
प्राकृतिक संतुलन कैसे हो सकता है, मानव जाति शांतिपूर्ण तरीके से किस तरह से अपना जीवन जी सकती है, इन सब बातों को उन्होंने इनडायरेक्टली एक तरह से अपने 2551 वर्ष पूर्व ही इन बातों को उन्होंने विशेष रूप से मानव जाति को समझने के लिए संदेश दिया है अहिंसा के माध्यम से। भगवान महावीर ने अनेकांत का सिद्धांत दिया। उस सिद्धांत के कारण से हम ये समझ पाते हैं कि सत्य बहुत व्यापक होता है और हम जो कुछ जानते हैं वो बहुत लिमिटेड नॉलेज है। इसलिए दूसरे के विचारों को सुनना, दूसरे के सिद्धांतों को समझना और सत्य को स्वीकार करना, ये मानसिकता हमारी बनी रहनी चाहिए। सो ये ओपन माइंडनेस का जो एक सिद्धांत अनेकांत के रूप में हमें दिया कि दूसरों को भी समझो, हम सब अपने व्यू को जितना सही समझते हैं दूसरे के व्यू को भी उतना समझने का हमें प्रयास करना चाहिए। दूसरा भी सही होता है, हो सकता है, और अगर सही है तो उसे हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। सो ये इस तरह की जो ओपन माइंडनेस जैन चिंतन में देखने को मिलती है, जैन परंपरा में देखने को मिलती है। दार्शनिक युग जब आया तो हमने देखा कि जैन आचार्यों ने हिंदू परंपरा का, बुद्धिस्ट परंपरा का जिस तरह से अध्ययन किया और जैन दृष्टि से उसको समझने का प्रयास किया कि उनका एंगल क्या है और वो किस दृष्टि से सही है, ऐसा चिंतन हमें अन्यत्र देखने को नहीं मिलता है कि दूसरी परंपराओं को इतना किसी ने पढ़ा हो, समझा हो और उसको अपनी दृष्टि से, पॉजिटिव दृष्टि से उसको जो है एक्सेप्ट किया हो। सो ये भगवान महावीर की जो अनेकांत दृष्टि है, ये हमें सत्य को व्यापक दृष्टि से समझने में सहायता करती है, दूसरे के व्यूज को समझने में सहायता करती है, और जो अपने विचारों का जो आग्रह रखते हैं, बहुत ज्यादा कट्टरता फैलाते हैं, उनके कारण से जो संघर्ष होते हैं, चाहे वो धार्मिक संघर्ष होते हैं, सामाजिक संघर्ष होते हैं, पारिवारिक संघर्ष होते हैं, राजनैतिक संघर्ष होते हैं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संघर्ष होते हैं, युद्ध होते हैं, इनका उन्होंने एक बहुत ही उचित समाधान अनेकांत के माध्यम से हमको दिया कि हम एक दूसरे को समझे, एक दूसरे का सम्मान करना सीखे, एक दूसरे के अधिकारों की रक्षा करना सीखे और सबके साथ प्रेम पूर्ण तरीके से रहने का प्रयास करें। सो भगवान महावीर का अनेकांत का सिद्धांत आज की बहुत बड़ी आवश्यकता है, जहां दो देश आपस में लड़ते हैं और दूसरे देश भी उनका सपोर्ट करने लग जाते हैं और इस तरह से पूरा विश्व ही एक तरह से युद्ध भूमि में उतर जाता है, ऐसे वातावरण में हम भगवान महावीर के अहिंसा और अनेकांत दृष्टि को अगर समझ पाए तो इस वातावरण में हम शांति का संदेश जो है वो अच्छी तरह से समझ सकते हैं उनका, और शांतिपूर्ण तरीके से जीना सीख सकते हैं। भगवान महावीर ने अपरिग्रह का सिद्धांत दे करके वर्तमान की जो भौतिकवादी चिंतन के कारण से उत्पन्न होने वाली जो समस्याएं हैं उनका बहुत अचूक समाधान अपने समय में दिया। भगवान महावीर का कहना है कि पदार्थ सीमित होता है और मूलमय इकोलॉजी का यह सिद्धांत है कि पदार्थ सीमित है और अगर सभी व्यक्ति उसे अधिक से अधिक कंज्यूम करने की कोशिश करेंगे तो समय से पहले नेचर के जो रिसोर्सेस है खत्म हो सकते हैं, आने वाली पीढ़ी के लिए बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न हो सकती है। भगवान महावीर ने संयम का सिद्धांत दिया और उनका उद्देश्य था कि प्राणी मात्र के प्रति हमारे अंदर में अहिंसा का भाव विकसित होना चाहिए और उसके लिए ये जरूरी है कि हमें ये समझना है कि ये जितने भी नेचुरल रिसोर्सेस हैं जिनका हम उपयोग करते हैं वो भी सजीव हैं, उनमें भी जीवन है, इसलिए उनको का अनावश्यक दोहन नहीं होना चाहिए, अनावश्यक उनका उपयोग नहीं होना चाहिए जिससे अनावश्यक प्रकृति की हिंसा ना हो। उन्होंने इस दृष्टि से संयम का जो सिद्धांत हमें दिया वो इस बात को भी समझाता है कि किस तरह से प्रकृति के प्रति भी हमारा एक करुणापूर्ण अहिंसक व्यवहार होना चाहिए, और इस चीज को अपनाने से किस तरह से प्राकृतिक जो संपदाएं हैं वो भी सुरक्षित रह सकती है, उनका अनावश्यक दोहन नहीं होता है, एक्सप्लोइटेशन नहीं होता है, मिसयूज नहीं होता है और आने वाली भावी पीढ़ी के लिए भी समस्या उत्पन्न नहीं होती है।
ये संयम का जो सिद्धांत भगवान महावीर ने दिया, अपरिग्रह का सिद्धांत, कि पदार्थ आवश्यक हो सकता है किंतु उसका अतिरिक्त यूज करना, मिस यूज करना और अनावश्यक यूज करना, ये मानव जाति के लिए हानिकारक हो सकता है। आचारांग सूत्र में उन्होंने एक बात कही है कि जे लोयम अभ्यायिखेच्च से अपानम अभ्यायिखेच्च, अर्थात जो लोक की यानी दूसरे जीवों की उपेक्षा करता है, प्राकृतिक संसाधनों के अस्तित्व की उपेक्षा करता है, वो अपने अस्तित्व की भी उपेक्षा करता है, क्योंकि हमारा जीवन इन प्राकृतिक संसाधनों पर टिका हुआ है। अगर हवा में पोल्यूशन ज्यादा हम क्रिएट करेंगे तो हमें ही श्वास लेने में दिक्कत होगी, और ऐसा हो भी रहा है। बड़े शहरों में हम देख रहे हैं कि पोल्यूशन का लेवल कितना हाई होता है, और सुबह सुबह लोगों को उठ करके देखना पड़ता है कि आज बाहर में पोल्यूशन कितना है, हम बाहर निकले या ना निकले। श्वास की प्रॉब्लम हो जाती है, अस्थमा की प्रॉब्लम हो जाती है, सही ढंग से हम ऑक्सीजन हमें जो बॉडी को मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमने इतने संसाधन विकसित कर लिए हैं, इतना धुआं क्रिएट करते हैं जिससे कि वातावरण में पोल्यूशन बढ़ता चला जा रहा है, इतना प्लास्टिक यूज करते हैं जिससे कि पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, रेफ्रिजरेटर और इस तरह की सुविधा हमारे घर में इतनी ज्यादा है जिससे कि वातावरण में, और कहा जाता है कि ओजोन की जो परत होती है उस परत को हानि पहुंचती है। तो हम कितना उपयोग करें इन चीजों का, क्योंकि यही इन चीजों का उपयोग, एक बार हमें लगता है कि हमें सुविधाएं मिल रही हैं इससे, किंतु दूसरी तरफ हमारे अस्तित्व के लिए ही खतरा खड़ा हो रहा है, हमारे जीवन के लिए ही एक खतरा बन रहा है ये सुविधा विपूर्ण जीवन शैली। सो हमें इन चीजों को भी समझना है। भगवान महावीर ने इसलिए प्रकृति के प्रति सबसे ज्यादा बल दिया है कि उनके प्रति हमें सावधान रहना चाहिए, उनका हमें कोई मिसयूज नहीं करना चाहिए, आवश्यकता में भी हम कहाँ कितनी सीमा कर सकते हैं, उसके प्रति हमारा विवेक निरंतर बढ़ते रहना चाहिए, जागरूकता निरंतर बढ़ती रहनी चाहिए। भगवान महावीर को आज के दिन निर्वाण प्राप्त हुआ था, और उसी दिन शाम को कहा जाता है भगवान गौतम स्वामी को केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, इसीलिए दीपावली में हम लक्ष्मी का मतलब होता है केवल ज्ञान, लक्ष्मी को आज भगवान गौतम स्वामी को प्राप्त हुई थी, और वो गणेश भी कहलाते हैं जैन परंपरा की दृष्टि से। गणेश इस अर्थ में कि गौतम स्वामी भगवान महावीर के प्रथम गणधर थे, और गणधर का मतलब होता है कि संघ का नायक, तो गणधर प्रथम गणधर होने के नाते वो एक प्रकार से गणेश कहे जाते, वो संघ के नायक भी थे, और उनको केवल ज्ञान का जब प्राप्ति हुई तो उसके कारण से आज का ये दिन केवल ज्ञान लक्ष्मी की प्राप्ति का दिन भी कहलाता है, साथ में वो गणेश थे, इसलिए गणेश और लक्ष्मी की जो फोटो रखते हैं, अगर हम जैन दृष्टि से विचार करें तो लक्ष्मी का मतलब केवल ज्ञान लक्ष्मी है और गणेश का मतलब गौतम गणधर है। आज के दिन हम गौतम गणधर स्वामी को भी याद करते हैं, वो भी सिद्ध हो चुके हैं, भगवान महावीर के प्रथम गणधर के रूप में उन्हें पहचाना जाता है, और जैन आगमों में गौतम स्वामी को लेकर के अनेक इस तरह के प्रसंग आते हैं, और कहा जाता है भगवती सूत्र में 36,000 क्वेश्चन थे या 96,000 क्वेश्चन माने जाते हैं, उसमें मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन जो है वो गणधर गौतम स्वामी के द्वारा पूछे गए थे, वो इतने भगवान महावीर के नजदीक थे, इतने क्लोज थे, और कहा जाता है पिछले 8 जन्मों से वो भगवान महावीर के साथ चले आ रहे थे, इसलिए उनका भगवान महावीर के प्रति बड़ा प्रेम था, बड़ा प्रीति थी, बड़ी भक्ति थी, और कहना चाहिए उनका मोह था, राग था, और इसीलिए भगवान महावीर के रहते हुए उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई थी, किंतु जैसे ही भगवान महावीर का निर्वाण हुआ वैसे ही गौतम स्वामी को पता चला कि भगवान महावीर निर्वाण को प्राप्त हो गए हैं, और उनको एक दिन पहले ही कहा जाता है कि पास के गांव में भेज दिया गया था, क्योंकि उनका इतना अधिक मोह था, अगर भगवान महावीर के निर्वाण के समय में वो होते तो हो सकता है कि उनका मोह और ज्यादा जागृत हो जाता, तो भगवान महावीर ने उन्हें पहले ही एक ब्राह्मण को समझाने के लिए पास के गांव में भेज दिया था, और जब उन्हें संदेश मिला कि भगवान महावीर निर्वाण को प्राप्त हो चुके हैं,
तो वो एक बार के लिए उनका मोह तो जागृत हुआ और वो विलाप भी किया उन्होंने, किंतु तो बाद में वो समझ गए कि भगवान तो वीतराग परमात्मा थे, उनके प्रति इस तरह का मोह करना ये उचित नहीं है। और धीरे धीरे उनका मोह जो खुद स्वयं का मोह जो है वो समाप्त तो होने लगा, और उसी दिन उनको केवल ज्ञान लक्ष्मी की प्राप्ति हो गई। सो भगवान गौतम स्वामी भी जो है भगवान महावीर के काफी नजदीक रहे और समय समय पर कई प्रश्न करते रहे। भगवान महावीर की कहा जाता है कि उनके ऊपर अनन्य कृपा रही है, और जब कभी उनको समय मिलता, जब कभी उनकी इच्छा हो जाती, वो भगवान महावीर के पास जा करके अपने प्रश्नों का समाधान पाते रहते थे। सो गंधर्व गौतम स्वामी के कारण से हमें भगवती सूत्र जैसा बड़ा आकर ग्रंथ आगम मिला है। जैन परंपरा में इससे बड़ा कोई आगम नहीं है जिसमें इतने ज्यादा प्रश्नों के उत्तर हमें देखने को मिलते हैं। उन्होंने हर तरह के प्रश्न पूछने का प्रयास किया है, चाहे विज्ञान से जुड़े हुए प्रश्न हो, चाहे दर्शन से जुड़े हुए प्रश्न हो, चाहे जीवन से जुड़े हुए प्रश्न हो। उन्होंने अनेक प्रश्न पूछ करके हमारे जो समस्या है या हमारी जो शंकाएं हैं उनका समाधान एक तरह से भगवती सूत्र के माध्यम से प्रस्तुत कर दिया है। सुगंधर गौतम स्वामी का आज केवल ज्ञान की प्राप्ति का दिन भी है और भगवान महावीर के निर्वाण का दिन भी है। भगवान महावीर ने गौतम स्वामी के माध्यम से भी कई सिद्धांतों का प्रतिपादन किया। एक बार उनसे पूछा गया था, गौतम स्वामी ने प्रश्न पूछा था कि इस विश्व की आदि है या अनादि है, ये अनंत है। तो भगवान महावीर ने ये कहा था कि सृष्टि शाश्वत है, ये विश्व शाश्वत है, ये इसी तरह से चलता आ रहा है। समय बदलने के साथ कुछ परिवर्तन होते रहते हैं किंतु इसका कभी अस्तित्व समाप्त नहीं होता है। तो ये कह करके भगवान महावीर ने इस बात को प्रतिपादित किया कि इस सृष्टि को शाश्वत मानना चाहिए। इसका कोई अलग से कोई संचालक है, कोई इसको निर्मित करता है, ये सिद्धांत एक तरह से जैन दृष्टि से उचित नहीं माना जाता है। सो इसी तरह से प्रश्न पूछा गया कि किस तरह से हम मोक्ष मार्ग, ये मोक्ष की जो प्राप्ति होती है ये किस तरह, ये भी क्या शाश्वत है, हमेशा से होती रही है, या केवल कुछ तीर्थंकर जो है वही मुक्त होते हैं। तो भगवान महावीर ने कहा कि मोक्ष भी शाश्वत है, सिद्धि भी हमेशा होती रहती है। जीव कहा जाता है शास्त्र की दृष्टि से कि हर समय कुछ जो है वो कोई ना कोई आत्मा सिद्ध बनती रहती है। अगर यहाँ भरत क्षेत्र से कोई सिद्ध नहीं हो रहा है तो महाविदेह क्षेत्र से सिद्ध होता रहता है, किंतु सिद्धि का क्रम भी निरंतर बना रहता है। ये भी अनादि अनंत है, ऐसा नहीं है कि भगवान महावीर केवल निर्वाण को प्राप्त हुए या चौबीस तीर्थंकर जो इस अवसर्पिणी कालखंड में हुए वही केवल मोक्ष को प्राप्त हुए। उनसे पहले भी इस तरह की अनंत चौबीस ही हो चुकी है, अनंत काल चक्र बीत चुके हैं, अनंत कालखंड आ चुके हैं, और हर कालखंड में चौबीस चौबीस तीर्थंकर होते हैं जो मोक्ष को प्राप्त करते रहते हैं। उनके साथ अनेक भव्य जीव जो हैं वो मोक्ष को प्राप्त करते हैं। तो भगवान महावीर के उपदेश से कहा जाता है कि 700 लोगों ने उनके समय में ही मोक्ष प्राप्त किया था। उनके जो 11 गणधर थे उसमें इंद्रभूति गौतम और सुधर्मा स्वामी को अगर हम छोड़ दें तो 9 गणधर उनके अपने सामने समय रहते ही उनके सामने ही मोक्ष को उन्होंने प्राप्त किया था। सो इस तरह से कई जीव जो है वो संसार में मोक्ष को प्राप्त करते रहते हैं। मैक्सिमम 6 मंथ का गैप हो सकता है किसी कारण से, किंतु अगर वो गैप नहीं होता है तो निरंतर ही कोई ना कोई जीव संसार से मुक्त होता रहता है। सो भगवान ने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त किया और उनका विशेष संदेश मोक्ष प्राप्ति के लिए ही है। वो जानते हैं कि मनुष्य का जीवन एक उच्च उद्देश्य के साथ में उच्च उद्देश्य के लिए होता है। अगर मनुष्य उस उच्च उद्देश्य को समझ लेता है तो इसी जन्म में कुछ ऐसा प्रयास कर सकता है जिससे कि उसके कर्म के बंधन टूट जाएं और वो मोक्ष को प्राप्त कर ले। सो भगवान ने उसी दृष्टि से आत्मा और कर्म के सिद्धांत को विशेष रूप से समझाने का प्रयास किया है कि किस तरह से मनुष्य कर्म के बंधन करता है, किन कारणों से कर्म के बंधन होते हैं और किस तरह से वो मुक्त बन सकता है। सो मुक्ति के भी उन्होंने कारण साधन बताए हैं और बंधन के कारण भी बताए हैं। उन कारणों की समीक्षा हम करते रहते हैं, चर्चा होती रहती है और आप उसे अच्छी तरह से जानते हैं।
सो भगवान महावीर ने एक तरह से कर्म बंधन से मुक्ति का जो उपाय बताया है वो सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र के रूप में बताया है कि आत्मा को अच्छी तरह से समझने का प्रयास करो। आत्मा में पूर्ण हमारी श्रद्धा और आस्था होनी चाहिए। आत्मा को शरीर से भिन्न समझ करके उसके उसके जो शुद्ध शुद्ध स्वरूप की प्राप्ति के लिए हमें निरंतर कुछ न कुछ प्रयास करते रहना चाहिए। सो भगवान महावीर ने ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र रूप रत्नत्रय का सिद्धांत, जिसे मोक्ष मार्ग कहा जाता है, उस मार्ग को का प्रतिपादन अपने उपदेशों में विशेष रूप से किया है। उसी पर विशेष उनका बल रहा है और उसी के कारण से जैन धर्म में, जैन परंपरा में मोक्ष के प्रति सभी लोगों का बड़ा आकर्षण रहता है। सभी अंत में यही चाहते हैं कि हमें मोक्ष की प्राप्ति हो, हम भी कर्म के बंधनों से मुक्त बने, सांसारिक जो सुख है, दुख है, इनसे ऊपर उठें और जीवन और मरण के जो अनादिकालीन जो चक्र है उस चक्र से बाहर निकल करके अपने शाश्वत आनंदमय जो आत्मा का अविनाशी स्वरूप है, अनंत ज्ञान और दर्शन संपन्न जो हमारा स्वरूप है, उस स्वरूप की हम प्राप्ति कर पाए, इस उद्देश्य से सभी लोग मोक्ष के लिए प्रयत्न करते रहते हैं, धर्म की आराधना करते रहते हैं। और आज का दिन विशेष हमारे लिए प्रेरणादायक है कि भगवान महावीर ने जिस पथ पर चल करके आज के दिन मोक्ष को प्राप्त किया था, गौतम स्वामी ने केवल ज्ञान को प्राप्त किया था, वह दिन हमारे लिए भी एक प्रेरणादायी बन गया है। हम भी किस तरह से भगवान महावीर के इस पथ का हम अनुसरण कर सके, उसके लिए हम कितना प्रयास और पुरुषार्थ करते हैं, कर्म के बंधन से मुक्त होने की कितना हमारे अंदर तीव्र उसकी प्यास उत्पन्न होती है और उसके लिए हम कितना पुरुषार्थ करते हैं, इसको हमें आज के दिन सोचना है। और कहीं कुछ प्रयास में कमी है तो उसको हमें प्रयास को बढ़ाना है, उस कमी को दूर करना है और अपने मोक्ष मार्ग को प्रशस्त करना है। तो इसी के साथ में कि आज परमात्मा महावीर ने हमें जो अहिंसा, अनेकांत, अपरिग्रह, सृष्टि के शाश्वतता का जो सिद्धांत दिया है, उस सिद्धांत को हम गहराई से समझे और उसमें हमारी पूर्ण आस्था बनी रहे और उनकी जो शिक्षाएं हमें जीवन को ऊपर बना उठाने के लिए, मोक्ष प्राप्ति के लिए, जीवन को परिष्कृत करने के लिए, जो उनकी शिक्षाएं, उन शिक्षाओं पर हम अमल करते रहें और निरंतर अपने जीवन में आगे बढ़ते रहें। आज के दिन हम सबके लिए यही शुभकामना करते हैं। आज दीपावली भी मनाई जा रही है, क्योंकि कुछ लोग चतुर्दशी को दीपावली पूजन नहीं करते, यद्यपि दीपावली का अमावस्या का समय जो है कल शाम से मान लिया गया था कि कल अमावस्या शुरू हो गई है और आज 11 बजे तक या कुछ लोग 3 बजे तक भी दीपावली पूजन कर रहे हैं। सो दीपावली के दिन आज हम शुभकामना सबके लिए भी करते हैं कि उन सभी का जीवन इस केवल ज्ञान रूपी लक्ष्मी के प्रकाश से या केवल ज्ञान रूपी प्रकाश से आलोकित बने और अपने जीवन को हम निरंतर प्रशस्त करते रहें, भगवान महावीर का निरंतर स्मरण करते रहें, उन्हें अपने सामने रखें, उनकी शिक्षाओं को पर मनन करते रहें, चिंतन करते रहें और निरंतर अपने पुरुषार्थ को अध्यात्म की दिशा में आगे बढ़ाते रहें। इन्हीं विचारों के साथ सबके प्रति हमारी इस दीपावली के दिन पर, भगवान महावीर के निर्वाण दिवस के ऊपर और गौतम स्वामी के केवल ज्ञान प्राप्ति के दिन के उपलक्ष्य में हम सबके प्रति आपकी आध्यात्मिक मंगल कामना करते हैं, शुभकामना करते हैं। आप अपने जीवन में हमेशा ज्ञान के प्रकाश में निरंतर आगे बढ़ते रहें। इन्हीं विचारों के साथ आज का ये कार्यक्रम संपन्न करते हैं। श्रमण भगवान महावीर स्वामी की, गौतम स्वामी की जय। मंगल पाठ के साथ कार्यक्रम संपन्न कर रहे हैं। चत्तारी मंगलम, अरहंता मंगलम, सिद्धा मंगलम, साहू मंगलम, केवली पन्नतो धम्मो मंगलम, चत्तारी लघुत्तमा, अरहंता लघुत्तमा, सिद्धा लघुत्तमा, साहू लघुत्तमा, केवली पन्नतो धम्मो लघुत्तमो, चत्तारी शरणं पवज्जामि, अरहंते शरणं पवज्जामि,
सिद्धे शरणं पवच्चामि, साहु शरणं पवच्चामि, केवले पन्नत्तं धम्मं शरणं पवच्चामि, धम्मो मंगलमुक्किट्ठं, अहिंसा संचमो तवो देवावितं नमंसन्ति, सयामणौ चैत्ताभारहं वासं चक्रवर्तीमहिध्यो, सन्ति सन्ति करे लोये पत्तो गयिमनुत्तरं, देवदानवगन्धव्वा जखरक्खसकिन्नरा बम्भयारिं नमंसन्ति, दुःकरं जे करन्ति तं मङ्गलं भगवान् वीरो, मङ्गलं गौतमो गणी, मङ्गलं स्थूलिभद्राद्यः, जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलं, मङ्गलं मतिमान भिक्षु, मङ्गलं मरायचन्द्रक मारमल्लक, मङ्गलं रायचन्द्राद्यः, मङ्गलं तुलसी गुरु, महाप्रज्ञोऽस्तु मङ्गलं, महाश्रवणोऽस्तु मङ्गलं, विघ्नहरण मङ्गलकरण स्वामभिक्षुणो नाम गुणोलख सुमिरन किया, सरे अचिंत्या काम, सरे अचिंत्या काम। तो आज कई लोगों को तेला का अनुष्ठान भी होगा। आचार्य श्री ने लघुत्तमे श्रवणे नाय पुत्ते की 108 माला 3 दिनों के अंदर पूरा करने का एक संदेश दिया था। तो जो लोग मंत्र का जाप कर रहे हैं वो लोग उत्तमे श्रवणे नाय पुत्ते इस जप को आज के दिन भी कंटिन्यू कर सकते हैं, और तेले का अनुष्ठान जो भी कर रहे हैं तो तेले का तप का अनुष्ठान भी उनका चल रहा होगा। तो सबके प्रति बहुत बहुत शुभकामनाएं दीपावली की। सभी स्वस्थ रहें और अध्यात्म में आगे बढ़ते रहें। वंदामि वंदामिनमस्वामी नमः जी, स्वामी जी। कृतज्ञोस्मि समणी हाँ जी, वंदामि नमस्वामी समणी जी, सुख साता में वंदामि वंदामि नमः स्वामी जी, कृतज्ञोस्मि समणी जी, ज्योति वंदामि यस, प्रतिभा जी, सुख भक्ति साता में जी, पूछते हैं। वंदामि श्रद्धादि कानमल जी, यस मत्थेन वंदामि, आप साता में हो? बिल्कुल साता में, साता में आप सुरु वंदामि सूरज भाई नगराज जी, वंदामि हाँ नमस्कार। चलो वंदामि, हाँ आपका सूरज भाई जुड़ते हैं हमेशा दिल्ली से। आप जुड़ते हैं वंदामि। आपके दीपावली का पूजन कर सुख लिया पूरा? हाँ कर लिया मना, हमारे अच्छा पोते की अच्छा शादी हो गई वंदामि। ये पता की शादी अच्छा आई थी हाँ, आपने पहले इसको एक बार आए थे ना, तो बहुत देर इसको ज्ञान दिए थे। वंदामि वही है, ये आई बड़ा नमस्कार। अच्छी बात है, वंदामि अच्छी बात है। नमस्कार। बढ़िया, वंदामि दीपावली के दिन कब आएंगे, मम्मी से इंडिया कब आएंगे कामना वंदामि, करते हैं इंडिया। पोते के लिए, उनकी वाइफ के लिए, आप सबके लिए। हाँ वंदामि, हाँ आपका आशीर्वाद होगा तो सर। वंदामि हाँ आप कब आएंगे इंडिया। इंडिया 20 तारीख को हम बोला है, 20 जनवरी को हमारा टिकट अगर बन जाता है तो 21 को बॉम्बे पहुंचेंगे, फिर गुरुदेव के हाँ दर्शन करेंगे। वंदामि दिल्ली पधारे पधारे तो कभी कीजिएगा हाँ चले अभी जाएंगे। क्या है कि गुरुदेव गुजरात और सूरत और बॉम्बे होने से हमें बॉम्बे का ही रूट लेना पड़ रहा है, हाँ पहले बम्बई, हाँ सही रुकते बात है। हाँ थे। आज वंदामि न्यूयॉर्क जी आए हुए हैं दिल्ली। अच्छा न्यू सही जगह बात, जी, रिजु पर गया जी, मेरे लिए महाराज सेहस पर गया जी। अच्छा, तो वो आए होंगे, काम से आए होंगे कोई। वहां से आए हैं, सूरत से आए हैं, लाडनो जाएंगे कल। अच्छा तो दिल्ली आने का क्या मतलब है, मुझे कोई मालूम काम था नहीं। ऐसे बोले, अभी तो आने का प्रोग्राम नहीं था पर कोई काम हो गया इसलिए अचानक सही आना सही पड़ा, ऐसे ऐसे बोले थे वो। बात, सही कोकी नामिन से जल। वंदा हाँ वंदा कानमल जी चार भी, यस ठीक है। वंदा मथेड़ वंदा भी समनी जी। हाँ 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 चलिए।
ओके वंदामि नमः स्वामी समणी जी सुख साता में हाँ वंदादी वंदामि समणी जी। अच्छा मंजू जी भी जुड़े हुए हैं। हाँ हाँ ये विजय राज जी भी ये लीजिए। अच्छा हो विजय बार विजय राज जी बार तो हाँ कृतज्ञोस्मि। मैं हाँ कहूँ आपको आप में देख करके मेरे मन में तो उत्साह बढ़ गया है। हाँ बारंबार खमत खामना भी करूं आज जी की पाक्षिक प्रतिक्रमण भी है और ध्यान हाँ विधि शू अपने सेंटर में पूजा भी है और हाँ आगमों को काम भी चार आगम और है जी का आपके कने है जी का मैं लिखे हूं वह हिंदी में अनुवाद कर इंग्लिश में आपने भेजू। मने मालूम आप बहुत ही बिजी हो लेकिन कृपा बिजी रखा। हाँ बिजी कुछ नहीं, वो थोड़ा कार्य कभी कभी टाइम लग जाता है चेक करने में। हाँ ठीक है लीव करते।